हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिलिनटस बीएम टेबलेट तथा सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे इस सिरप तथा टेबलेट के यूज, बेनिफिट्स, डोज एवं साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रिसलिंटस बीएम टैबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसमें टर्बुटालाइन सल्फेट एंड ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें टर्बुटालाइन 2.5 mg था, ब्रोमेक्सिन 8 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है, जिसका 10 टैबलेट का प्राइस सिर्फ ₹19.50 है। दोस्तों, अब सिरप के बारे में बात करते हैं। तो इसका भी कॉम्बिनेशन टर्बुटालाइन सल्फेट एंड ब्रोमेक्सिन होता है, जो कि टर्बुटालाइन 2.5 mg तथा है ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 8.0 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, सिरप की प्राइस की बात करें तो 100 ml सिरप की प्राइस ₹106 है, जो आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। दोस्तों, अब इसके साल्ट टर्बुटालेन के बारे में बात करते हैं। तो टर्बुटालेन बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करता है, जिससे फेफड़ों की नलियां थोड़ी चौड़ी हो जाती है, उसको स्मूथ मसल रिएक्शन की तरह कार्य करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाए। तो टर्बुटालिन का मुख्य काम है कफ को बाहर निकालना। उसके बाद बात करें तो ब्रोमेक्सिन जो कफ जमा रहता है उसको पतला करने का कार्य करता है, जिससे गाढ़ा कफ आसानी से पतला हो सके और बाहर निकल सके। तो ये दोनों मिला के कफ को बाहर करते हैं। दोस्तों, मार्केट में कई सिरप आते हैं जो कफ को सुखाते हैं, लेकिन ये सिरप कप को सीधा बाहर करता है। तो ये था दोस्तों दोनों साल्ट के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग किन किन समस्या में करते हैं। तो दोस्तों, इस सिरप या टेबलेट का उपयोग कफ या खांसी या सभी प्रकार के जो बहुत दिनों से चल रहा हो खांसी, उसमें ये सिरप या जिसको सिरप सूट नहीं होता वो टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, कोई अस्थमा के पेशेंट हो जिनको खांसी चल रहा हो और तथा सांस लेने में तकलीफ हो, उसमें भी इस सिरप या टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। या दोस्तों, खांसी के कारण सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, उसमें भी इस सिरप का उपयोग करने से रिलीफ मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, ब्रोंकियल अस्थमा, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कफ बन रहा हो, उसे ये सिरप बाहर कर देते हैं। ओवरऑल बात करें तो दोस्तों, यदि शरीर या में कफ बन रहा हो या बहुत लंबे दिनों से खांसी चल रहा हो, उसको ये सिरप रिलीफ देता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इस सिरप के डोज के बारे में। यदि सिरप की बात करें तो दोस्तों, इस सिरप का उपयोग एडल्ट व्यक्ति 2.5 से लेकर 5 ml तक दिन में 3 बार, 2 से 3 बार कर सकते हैं। या टेबलेट की बात करें तो एक टेबलेट सुबह तथा एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अब जान लेते दोस्तों प्रिकिसर कुछ सावधानी के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को इस कंटेंट से एलर्जी है, वो इस सिरप या टेबलेट का सेवन ना करे, या जिस व्यक्ति का हार्ट रेट बहुत कम हो या हार्ट रेट अधिक हो, उसको भी इस सिरप को नहीं देना चाहिए। या कोई किडनी लीवर के पेशेंट हो, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का उपयोग करे। तो ये था दोस्तों प्रिकॉशन के बारे। अब जान लेते दोस्तों कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। यदि इस सिरप को लेने से आपको नोजिया, वोमिटिंग या पेट दर्द, दस्त
या हेडेक, सरदर्द, ऐसा कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिखे तो इस सिरप को उपयोग करना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था दोस्तों ग्रिमलिंटस बीएम टेबलेट तथा सिरप के बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों ऐसे ही दवाइयों के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं।